उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही प्रियंका गांधी को सोमवार यानी आज सुबह लगभग 5:30 बजे पुलिस ने सीतापुर में हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच लंबी कहासुनी भी हुई। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों को कहा कि वो सभी कानून जानती है और पुलिस उन्हें ऐसे ही बिना वारंट के नहीं पकड़ सकती है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? प्रियंका ने उन्हें रोकने वाले पुलिस अफसर सीओ बिस्वा यादवेंद्र यादव व महिला दरोगा मधु यादव से बहस की, उन पर जबरन घसीटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महिला से बात करना सीखो। आइए आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे। करते वो चीज करो ना, फिर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। तुम क्यों इनको आगे कर रहे हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी, और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आज ने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में रविवार को हिंसक झड़प हुई थी। वहां 4 किसान मारे गए थे। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने उन किसानों पर कार चढ़ाई थी। इसके बाद माहौल खराब हुआ और 4 BJP कार्यकर्ता भी मारे गए। रविवार शाम से माहौल गरमाया हुआ है। वहीं अब विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाकर किसानों से मिलना चाहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।